हर आदमी यहाँ बिहारी है, नहीं तो भारतीय है, इसके अलावा कुछ नहीं। हम इसी को हमारा यही लक्ष्य है। हम जो बिहार के लोग हैं उन्हें हम बिहारी मानते हैं, जो हिंदुस्तान के लोग हैं उन्हें भारतीय मानते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं मानते हैं। जाति पाति खत्म होना चाहिए, ये पूरा जाति पाति खत्म होना चाहिए। ये पूरे जाति के आधार पर ही इन्होंने 15 साल बिहार का विनाश किया है और ये चाहते हैं कि उसी विनाश काल में फिर से पूरे बिहार को ले जाए। बिहार की जनता ये होने वाली नहीं है। इस बार लग रहा है कि 1952 से आज तक के जितने भी जीत के रिकॉर्ड दर्ज हुए हैं, कार्यकर्ता और आम जनता तमाम जीत के रिकॉर्डों को तोड़ेगी और एक नंबर बटन दबाकर 1,00,000 से ज्यादा मत से जीत दर्ज कराएगी। कर बिफोर प्रिंट देख रहे हैं आप और मैं हूं रंजीत मिश्रा। अभी जहां हम मौजूद हैं सीतामढ़ी विधानसभा का पुनौरा धाम मंदिर के बगल में स्थित शहर के प्रतिष्ठित व्यवसायी मनीष सिसारिया का आवास है। यहां से बाइक रैली एवं एनडीए प्रत्याशी मिथिलेश कुमार के लिए यहां से अपार जनसमर्थन के साथ लोगों का हुजूम जो है रैली के रूप में निकल रहा है शहर के लिए, पूरे विधानसभा में जाएगी। मेरे साथ हैं अभी विधान पार्षद देवेश चंद ठाकुर जी, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका बिफोर प्रिंट पे। धन्यवाद। क्या लग रहा है सर एनडीए के का कितनी सीट बिहार में? नहीं, 2/3 बहुमत से हमारी सरकार बनने जा रही है, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। सीतामढ़ी का क्या? सीतामढ़ी तो जीत चुके, ये देख रहे हैं आप, लाखों बच्चों का नौजवानों का हुजूम है, कहीं कोई दूसरा सामने कोई नहीं। राजद के जो MLC हैं सुनील सिंह, उनका बयान आता है, बार बार बयान आता है कि परशुराम जो थे क्षत्रियों के दुश्मन थे और उससे बड़े दुश्मन नीतीश कुमार हैं। परशुराम भगवान के लिए ऐसा बोला जाता है, क्या करना है? अब एक राजद RJD के MLC या किसी नेता से आप और क्या उम्मीद कर सकते हैं? भगवान परशुराम पर मुझे उस पर कोई आश्चर्य नहीं है। RJD के नेताओं के द्वारा ये जो बयान आते हैं ये उनके कैरेक्टर को सूट करता है, उनके नेतागिरी को सूट करता है। वो चाहते हैं दो समुदायों के बीच में फ्रिक्शन हो। ये भूल रहे हैं कि आदरणीय नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के नेतृत्व में जो काम हुआ है, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 6 साल से और नीतीश कुमार के नेतृत्व में पूरे बिहार में जो काम हुआ है, इसमें जातिवाद का मुद्दा खत्म है, विकास का मुद्दा हावी है, देशभक्ति का मुद्दा हावी है। कोई RJD का MLC, आप लोग, मुझे आश्चर्य लगता है आप लोग मीडिया वाले कैसे उनके बयानों को चलाते हैं। वो जो बोल देते हैं उनका बयान कई बार आ चुका है, वो बयान को क्यों चलाती है मीडिया? ब्राह्मण समाज क्यों चलाती है? मीडिया को क्यों मजा आती है उस बयान को चलाने में? दो समुदाय में झगड़ा लगाने का काम करते हैं RJD के नेता, बार बार और आप लोग वो चलाते हैं। आप नहीं चलाइएगा, कोई नहीं सुनेगा, कोई नहीं देखेगा। ये मैं उससे ज़्यादा उतना ही दोषी मैं मीडिया को ही मानता हूँ। आखिर समाज में फ्रिक्शन करते हैं आप लोग, क्यों दो समुदाय में झगड़ा करना चाहते हैं? ये नेतागिरी, आज चुनाव है कल खत्म हो जाएगी, लेकिन दो समुदाय में कोई झगड़ा हो जाए पूरे देश में, यही तो काम है इन लोगों का। हम लोग चाह रहे हैं पूरे देश में एकता हो, सबका साथ सबका विकास हो। पूरे 130 करोड़ लोगों के लिए नरेंद्र मोदी काम कर रहे हैं और ये लोग समुदाय, भगवान परशुराम, क्षत्रिय, ये वो, वोट इनमें से किसी का मिलना इनको है नहीं। नीतीश कुमार के बारे में बोल रहे थे, हाँ तो ये गलत बोलते हैं। अब उनको बात हम लोग तो सुनते नहीं, आप ही लोग सुनाना चाहते हैं। मतलब यहाँ आप देख लें, आपको मालूम पड़ता है कौन क्षत्रिय है, कौन ब्राह्मण है, कौन पिछड़ा है, कौन अगड़ा है? हर आदमी यहाँ बिहारी है, नहीं तो भारतीय है, इसके अलावा कुछ नहीं। हम इसी को हमारा यही लक्ष्य है। हम जो बिहार के लोग हैं उन्हें हम बिहारी मानते हैं, जो हिंदुस्तान के लोग हैं उन्हें भारतीय मानते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं मानते हैं। जाति पाति खत्म होना चाहिए, ये पूरा जाति पाति खत्म होना चाहिए। ये पूरे जाति के आधार पर ही इन्होंने 15 साल बिहार का विनाश किया है और ये चाहते हैं कि उसी विनाश काल में फिर से पूरे बिहार को ले जाए। बिहार की जनता ये होने वाली नहीं है। आपके जो आपका भी चुनाव हुआ है 22 अक्टूबर को तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से, उसमें भारी समर्थन भी दिखा सीतामढ़ी के। सीतामढ़ी में मेरे चुनाव में कहीं और कोई सामने है ही नहीं, सवाल ही नहीं। भारी समर्थन भी दिखा था हम लोग बिल्कुल सारे तिरहुत में, आपको यहाँ नहीं, पूरे तिरहुत के चारों जिला में, 2800 विधानसभा में, 5 लोकसभा में यही परिस्थिति थी। ये 12 तारीख को जब मतगणना होगी आपको पता चल जाएगा। यहाँ से कितने मत से NDA समर्थित प्रत्याशी जो है मिथिलेश कुमार कितने मत से जीत रहे हैं? मैं तो समझ रहा हूँ जो आदरणीय हमारे सांसद सुनील कुमार पिंटू जी जितने से जीते थे उससे बहुत ज्यादा वोटों से मिथिलेश जी जीतने जा रहे हैं। मेरे साथ अभी NDA समर्थित प्रत्याशी भाजपा के डॉक्टर मिथिलेश कुमार हैं। सर आपके समर्थन में भारी जनसैलाब निकला है, रैली निकलने जा रही है, अभी यहाँ से निकल रही है, क्या लग रहा है इस बार? इस बार लग रहा है कि 1952 से आज तक के जितने भी जीत के रिकॉर्ड दर्ज हुए हैं, कार्यकर्ता और आम जनता तमाम जीत के रिकॉर्डों को तोड़ेगी और एक नंबर बटन दबाकर 1,00,000 से ज़्यादा मत से जीत दर्ज कराएगी। सीतामढ़ी का स्थानीय मुद्दा क्या है, जिस पर आप जो है पहले भी हम पूछ चुके हैं,
क्या क्या आपके एजेंडा में सबसे पहला मुख्य एजेंडा? बस एक ही एजेंडा में सारा गागर में सागर है कि जैसे सीता माता पूरे विश्व के नारी के लिए रोल मॉडल है, जैसे गुजरात प्रांत पूरे देश के प्रांतों का रोल मॉडल है, वैसे सीतामढ़ी विधानसभा पूरे हिंदुस्तान के विधानसभा का रोल मॉडल बनेगा। रोल मॉडल का मतलब क्षेत्र में शिक्षा का विकास, स्वास्थ्य का विकास, सड़क का विकास, सरकारी योजनाओं के लाभ का कार्यक्रम, और शहरों में जो जल जमाव हो उसका कार्यक्रम, भ्रष्टाचार का मुक्ति। जनता जो कार्यालय का चक्कर लगाती है वो कार्यालय का चक्कर नहीं लगाएगी, ऐसा सिस्टम बनाएंगे कार्यालय जनता के द्वार तक जाएगी। रोल मॉडल का मतलब गागर में सागर होता है, मतलब सर्वांग भूषित सीतामढ़ी। ये थे मेरे साथ विधान पार्षद देवेश चंद्र ठाकुर जी और एवं सीतामढ़ी के उम्मीदवार डॉक्टर मिथिलेश कुमार। इनका कहना है कि भगवान परशुराम पर जो आपत्तिजनक बयान राजद के MLC देते हैं वो उसकी मैं कड़ी निंदा करता हूँ, ये कहीं से उचित नहीं है। दो समुदाय के बीच लड़ाने की कोशिश राजद के लोग करते हैं। बिफोर प्रिंट के लिए मैं रंजीत मिश्रा, धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।